धर्मनगरी हरिद्वार में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि आगामी 26 दिसंबर को हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम में ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से ब्रह्म ऋषियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पदम प्रकाश, अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी भी मौजूद रहे। अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ उन ब्राह्मणों की संस्था है जिन्होंने सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए युगो युगो से शस्त्र उठाकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया है। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। ऋषि महासंघ है, देश भर की 1200 करीब संस्थाएं हैं, त्यागी, भ्रामर, भूमियार, गालक, चितपावन, छिब्बर, उनके जो अलग अलग समाज बने हुए हैं उन समाजों का संघ है। पहली चीज़ तो यहाँ समझने की ये है कि जो समाज अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं हिंदुस्तान के, ये उनका सारे समाजों का एक कलेक्टिव संघ है। और हम लोग एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं जो कि जोड़ने का अभियान है। सारे ब्रह्म ऋषियों का जो देश भर में अलग अलग जगह हैं फैले हुए हैं उन सबको जोड़ने का अभियान है। तो करीब 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को हम आने वाले, चूँकि हमारा कार्यकाल अब 3 साल का है हमारा और अध्यक्ष जी का, तो हम अगले 3 साल में 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। उस कार्यक्रम की शुरुआत हम हरिद्वार से करना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का जो उद्गम स्थल है वो हरिद्वार से ज़्यादा अच्छी कोई पावन धरती हो नहीं सकता है। तो सबका विचार यही बना कि इसको हम यहाँ से शुरू करें और यहीं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि संघ समाज बहुत बड़ा है। आप जानते हैं ब्रह्म ऋषियों की सब जगह हैं हमारे ब्रह्म ऋषि, बस ज़रूरत क्या है कि एक साथ संगठित हो जाएं। बड़ा और प्रसिद्ध आश्रम है, मुझे लगता है हरिद्वार की शान ही आप उसे कहिए, तो वहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है 26 तारीख को। इस समय जो महासम्मेलन हम करने जा रहे हैं ये किसी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा हमारा ये जो अभियान है, एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी, जैसा कि हमारी महासचिव जी ने बताया है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को लाने का, सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रोग्राम है। तो आप इसको ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें हमने सिलेक्टिव 1000 से 1200 लोगों को ही आमंत्रित कर रहे हैं, जो मेन लोग होंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में तो जैसा कि अभी ये बता रही थी कि हमारे ब्रह्म ऋषि जो है ना वो काफ़ी मात्रा में है। इसमें हमारे 6 घटक मुख्य रूप से हैं, इसमें भूमियार है, गालव है, त्यागी है, चितपावन है, इस प्रकार से करके 6 घटक हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक सदस्यता के रूप में उनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं कि कभी भी किसी की भी कोई समस्या है हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हों। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के तहत हम एक सदस्यता कार्ड जो है सभी को इशू करना चाहते हैं कि जो भी ब्रह्म ऋषि है उसको एक कार्ड इशू किया जाएगा और वो हमारे ब्रह्म ऋषि महासंघ की तरफ से उनको दिया जाएगा, जिसका पूरा बायोडाटा हमारे पास इकट्ठा होगा। मान लें जैसे कोई डॉक्टर है, अब वो मान लें कर्नाटका में है और यहाँ का कोई आदमी कर्नाटका में जाके बीमार हो जाता है, तो तुरंत ही वो जाके अपना कार्ड उनको सामने दिखाएगा कि ये मैं भी ब्रह्म ऋषि महासंघ का सदस्य हूँ, तो उसको वो प्रिविलेज देगा। या कोई गरीब व्यक्ति है, वो किसी इंडस्ट्री में चला जाता है और उसको नौकरी की आवश्यकता है और वो उसको व्यवसाय दे सकता है, तो वो उसका तुरंत जो है उसका साथ देगा। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, कोई किसी भी प्रकार की, आपस में यदि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो इस प्रकार का ना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो उसकी शुरुआत ये हरिद्वार से हम करना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 से 1200 लोग इसमें शामिल होंगे।